Don't forget to subscribe. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से YouTube चैनल आर्ट या फिर YouTube बैनर को डिज़ाइन करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। चलें हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। किस तरीके से आपने मेरे चैनल पर भी देखा होगा कि मेरे चैनल पर भी चैनल आर्ट बना हुआ है, ये इस तरीके का चैनल आर्ट होता है। और आपने बहुत सारे यूट्यूबर के चैनल आर्ट देखे होंगे, तो आप जो आप न्यू यूट्यूबर हैं वो किस तरीके से बनाएंगे, आज मैं उनको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप चैनल आर्ट बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपने मेरे चैनल पर भी देखा होगा कि मैंने भी अपने चैनल का चैनल आर्ट बनाया हुआ है, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर के चैनल आर्ट आपने देखे होंगे। अगर आपको भी इसी तरीके का चैनल आर्ट बनाना है तो मैंने भी उसी टूल को यूज़ कर बनाया है जो मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। ये देखें, ये इस तरीके का चैनल आर्ट है जिसमें आपके लोगो लगे हुए हैं, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इसके अलावा आपके चैनल का नाम है। अब आपको ये किस तरीके से क्रिएट करना है, आपको क्रिएट करने के लिए अब मैं सबसे पहले वही सैम्पल अकाउंट पर जाऊंगी जो मैंने आपके लिए बनाया था न्यू टेक्नोलॉजी के नाम से। अब इस सैम्पल अकाउंट को खोलने के लिए मैं सबसे पहले जाऊंगी, सैम्पल अकाउंट मैंने खोल लिया, उसके बाद मैं जाऊंगी यूअर चैनल पर। यूअर चैनल पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है, आपके पास जो खुल जाएगा लिंक, आपके पास इस तरीके का कुछ लैंडिंग पेज होगा। देन आपको क्या करना है, कस्टमाइज चैनल करना है। कस्टमाइज चैनल से आप चैनल आर्ट को एडिट कर सकेंगे। कस्टमाइज चैनल के बाद आपके पास एक पैन बार आएगा जिसमें जिस पर आपको क्लिक करना है, जिससे लिखा हुआ आएगा एडिट चैनल आर्ट। अब आपके पास यहाँ पर तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, अपलोड फ़ोटो, योर फ़ोटो और गैलरी। अगर आप गैलरी से लेना चाह रहे हैं तो आप गैलरी से भी ले सकते हैं, या आप योर फ़ोटोज़ से लेना चाह रहे हैं तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं कोई भी इमेज। लेकिन क्योंकि हमें एक प्रॉपर चैनल आर्ट बनाना है चैनल के लिए, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, आप किस तरीके से करेंगे, ये मैंने सैम्पल के लिए एक पिक्चर लगाई थी देखने के लिए। तो अगर आपको डिज़ाइन करना है तो आपको क्या करना होगा, पहले हमें देखना होगा चैनल आर्ट डिज़ाइन करना है तो उसकी आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट है। तो रिकमेंडेड चैनल आर्ट का साइज़ यहाँ पर जैसे लिखा हुआ भी है इन लोगों ने यूट्यूब चैनल आर्ट का, कि ये लिखा हुआ है 2560 × 1440 इसका साइज़ होना चाहिए, यानी कि विड्थ और हाइट बताई हुई है, और 6 MB की फ़ाइल हो, तो ये आपका रिकमेंडेड साइज़ है। आप इसमें कोई भी ऐसे ही इमेज नहीं लगा सकते, आपको इस साइज़ को फॉलो कर चैनल आर्ट बनाना होगा। अगर अब हम देखें कि YouTube ने इसकी क्या रिक्वायरमेंट बताई है, अगर हम उसको पूरा स्टडी करें, हाउ टू क्रिएट अ चैनल आर्ट पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का कुछ लैंडिंग पेज खुलकर आ जाएगा जिसमें इन्होंने पूरी रिक्वायरमेंट बताई हुई है कि किस तरीके से आपको चैनल आर्ट बनाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चैनल आर्ट बना लेते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता कि ये चैनल आर्ट मोबाइल पर किसी और तरीके का दिखेगा, टीवी पर किसी और तरीके का दिखेगा और टैबलेट पर किसी और तरीके का दिखेगा। तो हमें उसी के मुताबिक बनाना है, हमारे पास सब जगह पर हमारा चैनल आर्ट बिल्कुल तरीके से नज़र आए, यानी कि हमारा नेम आधा आधा नज़र आ रहा हो और आधा नहीं नज़र आ रहा हो। तो अब हमें यहाँ पर क्लिक करना है इमेज साइज़ एंड फाइल गाइडलाइन। अब यहाँ पर इन्होंने पूरी गाइडलाइन बताई हुई है, कितना साइज़ होना चाहिए, मिनिमम डायमेंशन कितनी है, फाइल साइज़ कितना होना चाहिए, ये सारी आप गाइडलाइंस को रीड कर लीजिएगा। देन उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर इन्होंने चैनल आर्ट का टेम्पलेट भी प्रोवाइड किया हुआ है। अब अगर चैनल आर्ट के टेम्पलेट को देखें तो इन्होंने बताया है कि ये एरिया जो है ये मोबाइल के लिए है, या फिर डेस्कटॉप के लिए, टैबलेट के लिए और टीवी के लिए, सब इन्होंने एरियाज़ बताए हुए हैं कि ये मोबाइल के लिए एरिया है, टैबलेट के लिए इतना एरिया है, डेस्कटॉप के लिए इतना एरिया है और टीवी के लिए इतना एरिया है। तो हमें इस एरिया को, इस टैम्पलेट को ध्यान में रखकर काम करना है। अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर इसका लिंक दिया हुआ है चैनल आर्ट टैम्पलेट के नाम से, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। यूज़ कर रही हूँ जो मैं टूल आपको बताऊंगी आज इस वीडियो में, जिसके थ्रू मैंने भी अपने चैनल का चैनल आर्ट डिज़ाइन किया था, तो वही टूल मैं आज आपको बताऊंगी, वो है कैनवा। आपको किस तरीके से यूज़ करना है, मैं सबसे पहले गूगल पर लिखूंगी कैनवा, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी ताकि आपको ईजिली आप डिज़ाइन कर सकें। फर्स्ट लिंक को ओपन करना है, देन हमारे पास इस तरीके से कोई लैंडिंग पेज आएगा। अब आपको मैं ऑलरेडी साइन इन कर चुकी थी, तो अब आप लोगों को, अगर आप लोगों का अकाउंट इस पर ना हो तो पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा ताकि आप इजीली लॉगिन कर सकें। मैंने बना लिया था और मैंने साइन इन कर लिया था, सिंपल बन जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएटर डिज़ाइन, क्रिएटर डिज़ाइन पर आपको क्लिक करना है। किस चीज़ के लिए बनाना है, तो वीडियोज़ के लिए भी है, उसकी डायमेंशन, हर चीज़ की डायमेंशन अलग होती है। वीडियोज़ के लिए अलग डायमेंशन होगी, पोस्टर के लिए अलग डायमेंशन होगी। तो मुझे ना वीडियोज़ वाली डायमेंशन अगर मैं सेलेक्ट करूँगी वीडियोज़ के लिए, तो उसकी एक इमेज जो आएगी वो वीडियो के साइज़ वाली आएगी, लेकिन मुझे जो सेलेक्ट करनी है मैं कस्टम डायमेंशन पर क्लिक करूँगी,
क्योंकि मुझे इसमें कस्टम साइज़, क्योंकि जो YouTube ने बताया हुआ है मैं उसी के अकॉर्डिंग वही डायमेंशन को लेकर डिज़ाइन करूँगी। तो मैं कस्टम डायमेंशन जो YouTube ने रिक्वायरमेंट बताई है, रिकमेंडेड साइज़ बताया है, तो मैं उसी को यूज़ करूँगी 2560 1440। ये डायमेंशन बताई थी, विड्थ इतनी बताई है 2560 और हाइट इतनी बताई है 1440। विड्थ कितनी बताई है 2560 विड्थ है और 1440 जो है इसका हाइट है। ये हमारे पास बन गया। जब जैसे ही हम इस पर क्रिएट करेंगे, जैसे ही क्रिएट डिज़ाइन करेंगे इसको सेट करने के बाद, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, उसी साइज़ की हमारे पास टेम्पलेट आ जाएगी जो हमने कस्टम डिज़ाइन करा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिज़ाइन करना है चैनल आर्ट। अब चैनल आर्ट को डिज़ाइन करने के लिए जो मैंने टेम्पलेट डाउनलोड करी थी वो टेम्पलेट मैं क्या करूँगी, अब अपलोड कर लूँगी। इसमें टेम्पलेट में यहाँ से अपलोड कर लूँगी जो मैंने डेस्कटॉप पर सेव करी थी और यहाँ पर इस तरीके से इसको सेट कर दूँगी। और ये मैंने साइज़ भी उतना ही लिया था जितना मेरे टेम्पलेट का साइज़ था। अब मुझे इससे क्या होगा, अब मुझे इजी हो जाएगा टेम्पलेट को डिज़ाइन करना, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से नहीं करती और अपनी मर्ज़ी से ही डिज़ाइन करती, कोई भी डायमेंशन ले लेती, तो इससे क्या होता कि मेरे मोबाइल पर अलग तरीके से नज़र आता, डेस्कटॉप पर अलग तरीके से नज़र आता और टैबलेट पर अलग तरीके से नज़र आता। तो ये क्या होता है कि कुछ वर्ड्स नज़र आते हैं, कुछ नहीं नज़र आते। अब इससे क्या होगा कि हमारा प्रॉपर हमारा चैनल का नेम भी नज़र आएगा, प्रॉपर सारी चीज़ें होंगी, चैनल का नेम, सोशल मीडिया हैंडल, सब चीज़ें प्रॉपर नज़र आएंगी। अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसी पिक्चर ले ली, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, तो मैंने पिक्चर लेने के बाद हमें पता है कि ये वाला एरिया जो है वो किसके लिए है, मोबाइल के लिए और डेस्कटॉप मिनिमम, टैबलेट के लिए ये वाला एरिया इन्होंने बताया है, देन टीवी के लिए पूरा। अब इसके अकॉर्डिंग हम अगर डिज़ाइन करेंगे तो हमारी प्रॉपर बनेगा चैनल आर्ट। अगर हम वैसे डिज़ाइन करेंगे तो हमारा चैनल आर्ट प्रॉपर नहीं बनेगा। अब मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया, डुप्लीकेट करने के बाद दोबारा मैं एक और लगाऊंगी, यहाँ पर भी मैंने लगा दिया। या आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको सैंपल बनाकर दिखा रही हूँ किस तरीके से आपको कैनवा को यूज़ कर चैनल आर्ट को डिज़ाइन करना है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, गलत चैनल आर्ट बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मोबाइल पर सही नज़र नहीं आ रहा होता उनका चैनल का नेम, और ना ही डेस्कटॉप और ना ही टीवी या फिर दूसरे सोर्सेज पर सही नज़र आ रहा होता है, टैबलेट वगैरह पर। अब हमें क्या देना है, अब हमें देनी है एलिमेंट लगाना है। अब हम इसके लिए एलिमेंट में जाकर, इसमें बहुत सारी चीज़ें, आप आइकन भी दे सकते हैं, शेप का भी ऑप्शन है। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ शेप्स। अब शेप्स में जाकर मेरे पास क्या है, मुझे ये सिलेक्ट करना है ताकि आउटलाइन आ जाए, तो मैं इस शेप को सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। इसका कलर चेंज कर दिया मैंने, डबल क्लिक करूँगी तो कलर का आ जाएगा ऑप्शन, और कलर भी ईजिली चेंज कर सकते हैं हम। यहाँ पर मैंने कलर इसका चेंज कर दिया। अब क्या देना है, हमें टेक्स्ट देना है। अब टेक्स्ट के भी हमारे बहुत सारे स्टाइल प्रेजेंट है, लेकिन मैं ये फर्स्ट वाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ये मैंने यूज़ कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अभी अगर मैं देखूँगी ना लगाकर, ये मैंने बना लिया। अब मैं इसको क्या करूँगी, अब अगर आप चाहें तो इसके सोशल मीडिया हैंडल्स, अगर जो आपके ट्विटर फेसबुक उनके लिंक्स भी देना, उनके भी पिक्चर लगाना चाह रहे तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं सिर्फ आपको सैम्पल बनाकर दिखा रही हूँ। अब आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, डाउनलोड के ऑप्शन में। इसके अलावा आपके पास और भी फाइल की टाइप्स हैं, मैं PNG फॉर्मेट में ही सजेस्टेड है और PNG ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो JPEG भी यूज़ कर सकते हैं, JPEG है, PNG है, PDF स्टैंडर्ड है, लेकिन हमारे लिए PNG ही बेहतर है। इस तरीके से हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड होने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके की zip फाइल बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है और डेस्कटॉप पर सेव कर लेना है। अब मैं आपको लोड कर दिखाती हूँ उसी सैम्पल चैनल अकाउंट पर जो मैंने आपको बनाया था। ये पेंसिल के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, एडिट चैनल आर्ट करना है, देन आपको सेलेक्ट फ़ोटो। अब मैंने डेस्कटॉप पर या फिर डाउनलोड में सेव कर ली थी वो इमेज। अब मैं इसको लोड कर देखती हूँ, जब तक ये लोड हो रही है, ये मेरे पास लोड हो गई। अब अगर हम इसमें देखें, अब हमने टेम्पलेट को यूज़ करा तो इससे क्या हुआ, हमारे पास हमारे जो चैनल का नेम था वो प्रॉपर नज़र आ रहा है। अगर वो मैं टेम्पलेट नहीं यूज़ करती और मैं ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से कस्टम डायमेंशन या फिर कोई भी डायमेंशन लेकर बना लेती, तो उससे क्या होता कि मेरा आधा वर्ड नज़र आ रहा होता कहीं पर और आधा वर्ड नहीं नज़र आ रहा होता। अगर मैं मोबाइल पर देखती तो मेरा आधा चैनल का नाम नज़र आ रहा होता और आधा नहीं नज़र आ रहा होता। अब हमने ये यूज़ करा है तो इसके थ्रू अगर आप देखें, डेस्कटॉप पर हमें प्रॉपर नज़र आ रहा है, टीवी पर भी प्रॉपर नज़र आ रहा है और मोबाइल पर भी हमें प्रॉपर अपना चैनल का नेम नज़र आ रहा है।
इस तरीके से आपके चैनल का नेम आ गया। और बाकी अगर आप इसमें चाहें सोशल मीडिया का तो वो भी लगा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।